हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश गोयल, सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन किडनी ट्रांसप्लांट। जब भी हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट और रिलेटिव्स के साथ, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है। तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट मैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट, मिसमैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप्स ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस या ओ प्लस ओ माइनस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट में आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर पेशेंट का ए माइनस है और डोनर का ए प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव को इग्नोर करना होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन्स ए हैं और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बी हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इसका मतलब ये है कि इसको हम ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड नहीं दे सकते या ब्लड ग्रुप बी का ऑर्गन इसको नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ ए हैं, मतलब कि ए वाला पर्सन डोनेट नहीं कर सकता ब्लड ग्रुप बी के लिए मैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट के केस में। ऐसी जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है, इसका मतलब ये है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ऑर्गन ले सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ऐसी जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर एंटीजन्स कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है और इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बट उसके अंदर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए एंड बी के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए वो ब्लड ग्रुप ए या बी से ले नहीं सकता बट उनको दे सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कॉम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए या ओ से ले सकता है, और अगर पेशेंट बी है तो वो बी या ओ से ले सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसलिए वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ले सकता है, और मैंने आपको ये बताया था कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है तो इसलिए वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकता है, बट वो लेने के लिए सिर्फ ओ से ही ले सकता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि मैचिंग ब्लड ग्रुप डोनर मिलता नहीं है फैमिली में, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनके पास ऑप्शन है मिसमैच या फिर इनकॉम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट, सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिसमैच और इनकॉम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं बी के अगेंस्ट। आजकल मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है आफ्टर सम स्पेशल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल मेडिसिंस और प्लाज्मा फेरेसिस करने के बाद जो ए पेशेंट है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं बी के अगेंस्ट, वो हम स्पेशल ट्रीटमेंट और थेरेपी से निकाल देते हैं। ऐसी बी पेशेंट के अंदर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ए के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट से हम एंटीबॉडीज़ ए को हटा सकते हैं और वो ए और ए बी से ले सकता है। बट ए बी के केस में जैसे कि मैंने बताया था यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो उसके अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है, तो उसके अंदर मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट ऑप्शन ही नहीं है। बट पेशेंट ओ उसके अंदर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए हैं और एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बी है, तो इस केस में हम स्पेशल ट्रीटमेंट से दोनों एंटीबॉडीज़ को हटा सकते हैं और सक्सेसफुल मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है ओ के केस में भी। तो ये स्लाइड थी अबाउट मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अब ये स्लाइड है अबाउट एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। फर्स्ट पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके पास फैमिली डोनर है जो कि हेल्दी है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, और सेकेंड पेयर है जिसमें पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है और उसके पास फैमिली में हेल्दी डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो ईजिली मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, बट और भी इजी ऑप्शन उनके लिए ये है
कि अगर वो डोनर्स एक्सचेंज हो जाएं, मतलब कि जो फर्स्ट पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो सेकंड पेशेंट के डोनर जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो उससे ले सकता है, ऐसी जो सेकंड पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो फर्स्ट पेशेंट के डोनर से ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो इसमें और भी इजी ऑप्शन उनके पास ये है, कॉम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट एक्सचेंज द्वारा, जिसमें डोनर स्वैप हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट या फिर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लड ग्रुप ए बी या ओ के केस में एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसी से भी ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को दे सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन थी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जिसमें हमने मैचिंग, मिसमैचिंग और एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।